नमस्कार दोस्तों, HFCL शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.7% के क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में यहाँ पर डोजी कैंडल बन रहा है। पिछले तीन दिन से लगातार स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में गिरावट आएगा, तेजी आएगा तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली हम समझेंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों ये हम वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे थे और अभी देखेंगे तो आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम पर लगाया। आप देखेंगे यहाँ पर तीन दिन से जो है स्टॉक रेड कैंडल बना रहे और तीन दिन पहले जो कैंडल बनाया था वो ग्रीन कैंडल के बुलिश कैंडल बनाया था, राइट। तो इसी तरह दोस्तों अगर नोटिस करेंगे स्टॉक यहाँ पर एक हायर है का कंडीशन बना के स्टॉक क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब देखेंगे स्टॉक अपने प्रीवियस का 117 का रेजिस्टेंस लाइन था उसको ब्रेकआउट किया और एक था 136.40 रुपया में इसको भी स्टॉक ने ब्रेकआउट करके एक्जैक्टली हाई लगा 170.30 रुपया के पास में। तो अभी के लिए जो आपके सामने सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 128.60 रुपया के है और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको नजर आ रहा है 142.45 रुपया में, राइट। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रहा है, तो अभी मैं एक ट्रेल लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया और अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेके जब ऊपर बढ़ेगा तो ये टारगेट आपको दिखाई देगा, अगला टारगेट रहेगा 147 का, उसके बाद रहेगा 170 में। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाए गए, इस वीडियो को एक लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।